महुआ में पुलिस की कार्यवाही के बाद भी बदमाशों में खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। अशांति भंग के बाद जमानत पर वापस लौटे एक अभियुक्त ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर 16 वर्ष के किशोर को गोली मार दी। बता दें, किशोर के सीने में गोली लगने से उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालात बेहद नाजुक होने से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही सीओ सिटी सहित पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। महोबा से चंद्रशेखर नामदेव की रिपोर्ट। घटना ये हुई कि हमारा भाई था, खाला का लड़का छोटा, और वो गुटके लेके आ रहा था दुकान से, दो जनी थे उसके साथ, एक शादाब लड़का था, और इनकी आपसी में कुचड़ पैच हो रही थी, तो इन्होंने इसको रोका और रोक के जब हत्ती के मार दी गोली। कोई वजह नहीं है हत्ती। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली मारी? ये कॉलोनी के रहने वाले हैं बगल के, और एक रहता उन्हीं के ब्लॉक में बगल में। क्या नाम है उसका? एक लड़के का नाम है अक्कन और एक का यासीन। कोई विवाद नहीं। शादाब नामक एक लड़के का जो जिला अस्पताल में आया था घायल अवस्था में, जिसको गन शॉटी इंजरी डॉक्टर द्वारा बताई गई है, और उसको तुरंत हम लोग मौके पर पहुंच करके फर्स्ट एड दिला करके और डॉक्टर द्वारा झांसी रेफर कर दिया गया है। परिवारजनों के साथ झांसी एम्बुलेंस से तत्काल लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया है, और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, और जो भी इस तरह की तारीफ प्राप्त होगी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, और मौके पर टीम लगा करके जो है इस मामले की जांच कराई जा रही है।